आज हम इतने इतना इतना आह्लादित, इतना प्रफुल्लित ऐसा फील कर रहे हैं कि आप आए, मम्मा आई, दादी के साथ जैसे सामने बैठकर योग करते थे हिस्ट्री हॉल में जब सेवा में जाते थे, आज सुबह योग करते हुए इतने पर्सनल फीलिंग थी। अमृत वेले दीदी 3 बजे से पहले आकर बैठे और फिर हम सबको योग कराकर और लास्ट में जो दृष्टि दी, बहुत बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस, इतना अच्छा सा और इतना पर्सनल एक्सपीरियंस कि बिल्कुल छोटा सा परिवार हम सामने थे। तो इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी भरपूरता के लिए, माला माल करने के लिए आदरणीय दीदी जी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया। शब्दों की कमी तो है ही है, क्योंकि ये वो शुक्रिया है जो हर आहट के लिए है, हर आपके उस संकल्प के लिए है जब आपने कहा कि मैं अवश्य आऊंगी। मधुबन में बात हुई थी और उससे बड़ी बात कि जब आपने कहा कि मैं वही रहूंगी रात को, तो ये तो बहुत ही खुशी वाली बात थी हम सबके लिए। बहुत बड़े दीदी, हम बार बार ये करे जा रहे थे बड़े घर में ही रहना है, वैसा है, उत्तरा दीदी ने वैसा इंतजाम किया, लेकिन जब दीदी ने कहा मैं वहीं आकर रहूंगी तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं थी। तो पंख लगे हुए थे, हम सब उड़ रहे थे और आज इस खुशी के मौके पर वो सब बातें जो आज तक पहुंचने के लिए मदद करती हैं, जैसे प्रेम दीदी जब शिलान्यास करने आए सेक्टर 46 का, तो वो हंस रहे थे, कहते पहले हम छोटी छोटी कन्याएं थी, हम सब छोटी बहनें, रोड़ी कूटती थी, मकान बनते थे तो क्या बोलते तगारियां उठाते थे, रोड़ी कूटते थे, आज हम शिलान्यास कर रहे हैं। तो ऐसे ही वो सारे त्याग के, तपस्या के स्टेप जो बाबा ने सिखाए आपने पूरे किए हैं। चक्रधारी नाम भी बाबा मम्मा ने रखा, बाबा ने तो लिख के भेजा, मम्मा ने उस नाम से पुकारा था, तो इसीलिए इसके बाद कोई पिछला नाम जानता ही नहीं। आपका आधार कार्ड भी चक्रधारी के नाम से ही है, कितना प्यारा नाम बाबा ने दिया। तो आज तक आप चक्र लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे, आखिरी दिन तक, संगम युग के आखिरी दिन तक सेवा आप करते ही रहेंगे। इसी तरह हम सबको इसी तरह भरपूर संपन्न माला माल करते रहेंगे, क्योंकि बाबा ने आपको ड्यूटी यही दी हुई है, चक्र लगाते रहें। जबकि जितने यहाँ हैं सारे चंडीगढ़ सर्कल पंजाब जोन में, आप शारीरिक आयु में सबसे बड़े हैं, 82 के नज़दीक पहुँचने वाले हैं, लेकिन लगता है अब 28 के ही हैं सिर्फ, 82 का रिवर्स, क्योंकि इतना दिल से सबकी सेवा करने का जो उमंग आप में है, वो उमंग आपको हमेशा स्वस्थ और जवान रखता है। हम बहुत खुश हैं और इस खुशी के मौके पर दीदी जी से हम वो सब बातें सुनेंगे जो मुझे बहुत बार सुनने के बाद भी नई लगती रहती है, और आप लोग तो सुनेंगे भी बहुत जने पहली बार। तो वो सब बातें जानने सुनने के लिए हम आदरणीय दीदी जी का आह्वान कर रहे थे, आज वो इच्छा पूरी हुई और हम सभी अब बहुत एकाग्रचित होकर बैठकर सुनेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जब मैं भी 3 बार ओम शांति कहती हूँ तो मुझे अपने आदरणीय दादी जानकी जी याद आ जाती है। वे हमेशा कहते थे 3 बार कहूंगी मैं ओम शांति, तो मैं भी सोचती हूँ दादी की इस परंपरा को कायम रखते हैं। बाकी आपने ब्राह्मण की रस्म कुछ बन चुकी है शायद, ये सजावट करना, बिंदी लगाना, फूल देना, ये सब चीजें। मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन दिल्ली में पहले आम होता था, गलियों में हाथी पर बैठ करके हाथी का मालिक रावत जो उसका चलाने वाला होता था, भगवा सा कपड़ा पहने हुए गली गली में आता था हाथी को लेकर के, और हाथी को अच्छा लगता है गन्ना,
केला, ये कुछ ऐसी चीजें जो हाथी को बड़ी पसंद है। तो जब वो गली में आता था तो बच्चे हाथी सूंड ऐसे करता था और बच्चे उसकी सूंड में केला रखते थे, गन्ना रखते थे, पैसा रखते थे। और हाथी मानो जो ही आपने केला रखा तो पहले उस केले को सूंड ऊपर करता है, जो ऊपर महावत बैठा है वो केला निकाल लेता है, फिर कोई पैसा देता है फिर सूंड को ऊपर करता है, वो पैसा निकाल लेता है। बच्चों को एक खेल लगता था, भाग भाग के घर में जाते थे कि पैसा केला कुछ जो मिले हम अपने हाथी को देंगे। लेकिन हाथी कुछ भी खाता नहीं था, हालांकि उसे प्रिय है केला, गन्ना प्रिय है, खाता नहीं था, महावत की तरफ कर देता था और महावत उसको निकाल लेता था। अवश्य है जब उसने खिलाना होता होगा तभी वो अपने हाथी को कुछ भी खिलाता था, लेकिन हाथी डायरेक्ट दिया हुआ नहीं खाता था। तो जब ऐसे कोई चुन्नी डालता है, कोई बिंदी लगाता है, मैं भी बाबा को कहती हूँ लेते चलिए लेते चलिए, अब दूसरी चीज आ गई, अब ये भी ले लीजिए क्योंकि मुझे नहीं पहना रहे हैं, अपने मन में प्यारे बाबा के प्रति प्यार है। अब बाबा को वो प्यार प्रदर्शित कैसे करे, तो कोई भी मूर्ति आ जाती है तो अपने मन की भावनाएं किसी भी रूप से उपस्थित करते, और ये सब प्यारे बाबा का वेलकम है, हम सेवाधारियों का कोई वेलकम नहीं है। उस साकार बाबा ने कभी एक फूल भी स्वीकार नहीं किया, हाँ ये जरूर कहा कि जब मामा कहीं जाए और दादियां कहीं जाए तो बाबा कहता था खूब वेलकम करना, अपना नहीं वेलकम कराता लेकिन उनके वेलकम का आदेश पहले ही देता, अच्छी तरह वेलकम करना, क्योंकि गुप्त बाप जो स्तन में है उसे सदा वो गुप्त ही रखना चाहा, उसे इस रूप से प्रत्यक्ष नहीं होने दिया। तो मैं देख रही थी अभी क्लास चल रही थी, तो हमारा सिस्टम यही है, रोज योग चलता है फिर क्लास चलती है। क्यों क्लास चलती है? क्योंकि ब्राह्मण का मतलब ही है जिसने ज्ञान से, ब्रह्मा मुख से ज्ञान से जन्म लिया, जिससे जन्म होता है वो उसके जीवन गुट्टी बन जाती है, जीवन को कायम रखने का एक मार्ग बन जाता है। मछली है, जल में जन्म लेती है, जल उसका श्वास है, अगर जल न मिले मर जाती है। कमल पुष्प है, कीचड़ में पनपता है, कीचड़ से जन्म है, और अगर उसे कीचड़ ना मिले तो कमल मुरझाइश में आ जाएगा, खिला नहीं रह सकता है। ठीक इसी प्रकार हम सब ब्राह्मण बाबा के बच्चों ने ज्ञान से जन्म लिया है, और ये ज्ञान अगर किसी को नहीं मिलता या कोई नहीं लेता कभी वो हरियाली में नहीं रह सकता। कई ऐसे हैं आते आते आना बंद हो जाते हैं, कभी आप उनसे मिले और पूछे कि आजकल आप आ नहीं रहे, कहते नहीं दीदी ऐसा नहीं समझना हम बाबा के बच्चे नहीं हैं, हम योग लगाते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, नियमों में चलते हैं, हाँ आ नहीं पाते क्योंकि टाइम नहीं होता, वाणी नहीं सुन पाते। हम कभी उनको ब्राह्मण नहीं कह सकते,
उन्हें ऐसा कहते हैं ये संपर्क संबंध वाली आत्मा है, लेकिन ब्राह्मण बच्चा नहीं है। ब्राह्मण जन्म ही ज्ञान से लिया है, ज्ञान ही उसके लिए संजीवनी बूटी है जो उसे जीवित रखता है। साकार बाबा के पास हम जाते थे और समझते थे पहले बाबा से मिलकर आए, बाबा पूछते थे वाणी सुनी है, अभी तो ट्रेन से आए हैं वाणी कहाँ सुनी है, क्योंकि पहले तो कोई फोन में वाणी या इस प्रकार सिस्टम तो थे नहीं। तो बाबा कहते थे टेप में वाणी प्रातः की भरी हुई है, जाओ पहले वाणी सुन के आओ फिर बाबा से मिलन मनाने। और जब तक हम वाणी नहीं सुनते थे बाबा मिलते नहीं थे। सभी टेप में भरी हुई बाबा की मुरली सुनते थे। आज हम देखें हम योग लगाते हैं बाबा से मिलते हैं, लेकिन मिलन कब होगा? जब ज्ञान सर्वप्रथम हमने जीवन में ग्रहण किया होगा। अगर ज्ञान ग्रहण नहीं किया है और केवल मात्र योग के आधार से हम चलना चाहते हैं, नहीं चल सकते कितना भी कर ले कुछ। दिए के अंदर जब तक तेल नहीं है वो दिया रोशनी कैसे देगा? नहीं दे सकता। इसलिए महावाक्य बाबा के सुनना बहुत जरूरी है। और महावाक्य सुनते हुए भी बाबा कहता था केवल महावाक्य की तरफ ध्यान हो। कई बार वो महावाक्य किसी अन्य प्राणी पर लागू होते हैं या किसी घटना को संकेत करते हैं, तो हम उस समय या तो प्राणी को याद करते हैं या उस घटना का सोचते हैं। बाबा कहते नहीं, महावाक्य सुनते हुए हर महावाक्य मुझे ईश्वर महावाक्य मिले हैं, मेरे लिए हैं, मुझे अपने जीवन में इन्हें धारण करना है। केवल मात्र मैं और बाबा और कुछ याद ना। तो मुझे आज कह रही थी कविता बहन जी कि ज्ञान तो सुनते रहते हैं सभी, लेकिन आप कुछ मामा के विषय में सुना, क्योंकि बहुत ऐसे भी हैं जिन्होंने शायद मामा का ज्यादा नहीं सुना हुआ है। ठीक बात है, सुनाओ मामा के विषय में आपकी क्या राय है, कुछ और हो तो सुना दूंगी लेकिन अभी एक टाइम बैठे हैं तो मामा का सुना देती हूँ, क्योंकि हम मामा के साथ काफी देर रहे हैं। और मामा क्या थी, मामा मामा कैसे बनी, वो ज्ञान में कैसे आई? तो मैं उनका प्रथम ज्ञान में आने की बात सुनाती। आपने कईयों ने मामा की हिस्ट्री पढ़ी भी होगी और कहीं ना कहीं कभी ना कभी शायद सुनी भी होगी। मामा के लिए जो सुनाया गया हमको दादियां सुनाती थी कि मामा अपने लौकिक जीवन में फैशनेबल लड़की थी। आज हम कई बार किसी को फैशनेबल देखते हैं, कहते हैं कोई ज्ञान सुनेंगी, अरे इसको तो दुनिया का आकर्षण। कोई बात नहीं है, कभी निरुत्साहित ना हो जाए। पता नहीं किसमें कितने छिपे हुए संस्कार हैं और कब उसके जाग जाएंगे। अपने मन की शुभ भावनाएं कभी न समाप्त करते, क्योंकि मामा का लौकिक पिता ज्वेलर था और जो अच्छी ज्वेलरी बनाता था। मामा स्मार्ट थी और सुंदर थी। अब एक बच्चा स्मार्ट है, सुंदर है और अच्छी बनी हुई चीज उसको अगर पहनाई जाए तो जरा चीज की भी शोभा हो जाती है।
तो ज्वेलर होने के नाते वो जो भी ज्वेलरी बनाता था अच्छी, तो मम्मा को पहनाता था। और मम्मा की लौकिक में बड़ी बहन वो टेलर मास्टर थी, और जो कपड़ा सुंदर से सुंदर डिजाइन देना हो वो नया डिजाइन देती और वो कपड़ा मम्मा को ही पहनाती। आप देखिए एक छोटे बच्चे को भी अगर आप चुम चुम करते हुए कुछ ऐसे बूट पहनाते हो और ऐसा कपड़ा पहनाते हो, देखा जैसे चलता कैसे हो, समझता मैं भी कुछ हूं आज। वो तो बड़ी हो गई थी, स्कूल में पढ़ती थी। हमारी प्रकाशमणि दादी जी सुनाते हैं कि मैं और मामा एक ही क्लास के क्लास फेलो थे और एक ही बेंच पर बैठते थे, लेकिन मामा कोई ऐसी कॉमन हर एक से बातचीत करना या मिक्स होना ये नेचर नहीं थी, अपने आप में ही रहती थी और हम सभी उसको देखना ही चाहते थे क्योंकि बड़ी सुंदर ड्रेस है, सुंदर ज्वेलरी है और एक अलग प्रकार की लड़की लगती है। और गायन कला और नृत्य कला में मम्मा बड़ी परफेक्ट थी। पहले शहरों के दायरे छोटे होते थे तो स्कूल में अगर मम्मा का कभी गीत है, संगीत है या नृत्य है तो शहर के लोग भी सुनने के लिए स्कूल में पहुंच जाते थे। इस प्रकार मामा फेमस थे और कोई धार्मिक रुचि वाली नहीं थी कि कोई मंदिरों में जाती हो, कोई व्रत रखती हो, कुछ ऐसा भी नहीं था। ये उनका लौकिक जीवन का थोड़ी झलकी मैं देती जाऊंगी। अब मामा की लौकिक मम्मी और मौसी ये दो ज्ञान में जाते थे। उन्होंने जब ज्ञान सुना बाबा से, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ ऐसी घटनाएं घट चुकी थी जो परेशान थी, और वो बाबा के पास जाती थी और उनको बड़ी शांति और खुशी मिली, तो दोनों ने आपस में डिसाइड किया, इनकी मम्मी और मौसी ने, कि कितना ना अच्छा हो कि ये राधा, क्योंकि उनका लौकिक नाम राधा था, राधा अगर बाबा के ज्ञान में चली जाए। लेकिन राधा तो कोई इंटरेस्टेड नहीं इन चीजों में, कैसे उसको ज्ञान में लाए। लेकिन राधा में दो गुण बचपन से थे। कई बार किसी में कोई गुण नहीं होते, कहते हम में कोई ज्यादा गुण तो है नहीं, पता नहीं देवता बनेंगे कि नहीं बनेंगे। कोई बात नहीं, अगर आप में दो एक गुण भी थ्रू एंड थ्रू है, पूरा है, हर परिस्थिति आ जाए कैसी भी, लेकिन आप अपने उस गुण से कभी चूक नहीं जाते, आपके पास वो गुण बहुत अच्छा, आपको गुण आगे ले जाएगा। तो मम्मा के पास दो गुण थे, एक था आज्ञाकारिता और दूसरा था बड़ों का सम्मान कर। ये दो गुण मम्मा के थ्रू एंड थ्रू थे। मैं मम्मा कह रही हूं लेकिन पहले राधा ही राधा कहते थे, मैं तो मम्मा ही कहूंगी। तो उस समय राधा की लौकिक मम्मी और मौसी ने ये डिसाइड किया कि हम राधा से बात करते हैं ताकि राधा ये ज्ञान सुने। तो राधा से कहा, राधा हम दादा के पास ज्ञान सुनने जाते हैं और दादा ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं, लेकिन घर आने पर हमको वो ज्ञान भूल जाता है। हो सकता है ऐसा कि आप हमारे साथ चलो, जो दादा उस समय दादा कहते थे, जो दादा सुनाए वो आप नोट कर लो और घर में आकर हमको रिवाइज करके याद करा दो।
मामा का गुण कौन सा था? आज्ञाकारिता और बड़ों का सम्मान। तो मामा ने मना नहीं किया, कहा ठीक है मैं चलूंगी। इस कार्य के अर्थ दूसरे ही दिन मामा अपनी माँ मौसी के साथ चली और जब वहां गई तो बाबा के महावाक्य सुनने के लिए साइड में होकर बैठ गई, लेकिन बड़े ध्यान से सुन रही है और नोट कर रही है। आप सोचिए कि नई नई कन्या क्लास में बैठी हो और बड़े ध्यान से सुने और नोट करे तो दृष्टि तो उसकी तरफ जाएगी, ये कौन कन्या है। और बाबा उस राधा को पहले भी जानते थे, क्योंकि शहरों के दायरे छोटे होते थे तो बाबा को भी मालूम था ये नृत्य कला गायन कला में बच्ची बहुत अच्छी है। और जब देखा इतने ध्यान से ये बात सुनती है और इतने ध्यान से नोट करती है, तो एक दो तीन दिन गुजर गए। बाबा ने क्लास पूरा होते ही राधा को अपने पास बुलाया और राधा को कहा, राधे मैं गीत कंपोज करना जानता हूं, लिखना जानता हूं, लेकिन मैं गा नहीं सकता, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं गीत लिखूं और तुम गीत गाओ? राधा का गुण कौन सा था? आज्ञाकारिता और बड़ों का सम्मान। उस गुण ने उसे ना नहीं कहलवाया, हालांकि वो कोई इंटरेस्ट से, अपने इंटरेस्ट से नहीं आ रही थी, वो तो माँ मौसी के इंटरेस्ट में आ रही थी। लेकिन बाबा ने जब ये कहा तो उसने कहा जी बाबा। तो बाबा ने सेकंड डे से गीत कंपोज किया और राधा को पर्सनल अपने पास बुलाया, कहा राधा ये गीत बाबा ने लिखा है और आपको गाना है। लेकिन गीत लिखने वाला पहले अपने भाव सुनाता है कि मैंने किस भाव में ये गीत लिखा, इसमें क्या भावना छिपी हुई है और क्या मैं कहना चाहता हूं इस गीत में। जब वो सारी बात तथ्य स्पष्ट होता है तब गाने वाला उस टोन में गा सकता है। तो बाबा एक एक लाइन ज्ञान की उस गीतों के रूप में उनको सुनाता रहा और बड़ी अच्छी तरह व्यक्तिगत रूप से जैसे उस आत्मा को पालना मिली। और जब मामा गाती थी तो सबको बहुत आकर्षण होता था, यहां तक कि लोग संख्या लोगों की ज्यादा से ज्यादा आने लग गई कि ये राधा जो स्कूल में गाती थी आज दादा की मंडली में गाती है। तो लोगों का आना ज्यादा संख्या में शुरू। तो ये है मामा का आदिकाल जब वो ज्ञान में आई। अब जब बाबा के इतना क्लोज आ गई, आप सोचिए बाबा भी कोई साधारण बाबा तो नहीं है, वो आत्मा जिस तन में स्वयं सर्वसमर्थ सर्वशक्तिवान प्रवेश किया, वो आत्मा भी तो प्रथम विश्व की महाराज कुमार श्री कृष्ण वाली आत्मा। और जब वो अंतिम 84वें जन्म में आई तो संस्कार तो वो होते ही हैं, वो आकर्षण भी था। और शिव बाबा उस स्थान में प्रविष्ट होकर के जब एक व्यक्ति से पर्सनल बात करता है तो हृदय को छू जाती है बात। तो मामा को इतनी क्लोजनेस हो गई बाबा से और बाबा के ज्ञान से, जो उनकी माँ और मासी तो एक तरफ रही लेकिन मामा ज्ञान में बहुत अच्छी प्रवीण हो गई।
ये परफेक्शन थी। तो बाबा थोड़े समय के बाद बाबा ने कहा कि ये बाबा कश्मीर जाएगा, राधा ऐसा हो सकता है कि बाबा वहां से लेटर लिखेगा जिसमें ज्ञान हो और जो आने वाले जितने भी आगंतुक हैं इन आने वालों को कभी आप पढ़कर सुनाना और कभी दूसरी दो तीन बहनों का नाम लिया वो पढ़कर सुनाएंगी, इस प्रकार इनको भी चीज मिलती रहेगी और मेरा लिंक बना रहेगा। तब मामा ने स्वीकार किया और बाबा कश्मीर चले गए। अब पीछे सत्संग चल रहा है। जब बाबा का पत्र आता ज्ञान युक्त, तो मामा उस ज्ञान युक्त पत्र को पढ़कर नहीं सुनाती थी, बाकी जो बहनें थी वो जो पत्र आता था उसे पढ़कर सुना देती थी, लेकिन मामा उस पत्र को पहले पढ़ती थी। पढ़कर बाबा ने क्या कहना चाहा, हर चीज को गहराई से समझती थी और फिर मौखिक बाबा के ज्ञान की बातों को सबको सुनाती थी, तो सबको बड़ा अच्छा लगने लगा। यहां तक कि आने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। तब बाबा को लिखा कि बाबा लोग बहुत आ रहे हैं, जगह छोटी पड़ गई है, क्या किया जाए। तो बाबा ने वहीं से लिखा कि दो कमरों के बीच की दीवार निकाल दी जाए। ये बाबा का ही बंगला था, और एक हॉल बना दिया जाए इसमें ताकि सभी एडजस्ट हो सके। इस प्रकार ये क्लास चलने लगी। जब बाबा कश्मीर से वापस आया तो देखा काफी बड़ी क्लास चल रही, लेकिन मामा ये सब हैदराबाद में ही हुआ है, शुरुआत हैदराबाद की ही है, सिंध हैदराबाद। लेकिन मामा का ये होता था कि वो आती थी प्रातः सफाई वगैरह करना और जो भी सेवा का कार्य वो सब करना, करके टाइम पर फिर अपने घर जाती थी, कभी नाश्ता या खाना ये नहीं करती थी। ये कहती थी नहीं मैं सेवा करूंगी, अगर सेवा की और खा भी लिया सब कुछ ले लिया तो मेरा जमा क्या हो। तो मम्मा टच भी नहीं कुछ करती थी। तब जो अन्य बहनें थी उन्होंने बाबा को लिखा कि बाबा राधा आती है लेकिन कुछ भी स्वीकार नहीं करती है, चाहे 12 बज जाए 1 बज जाए, सेवा पूरी करके जाती है लेकिन खाती नहीं है कुछ भी। तब बाबा ने वहां से ही लिखा कि राधा आप कभी कभी हो सके तो ठहर जाया करो ताकि शाम तक की सेवाएं चलेंगी और आपको यज्ञ का ही भोजन स्वीकार करना है। हम कई बार कुछ करते हैं तो आशा भी रखते हैं भी कुछ तो ध्यान देना चाहिए ना, सबको ध्यान देती हैं बहनें। कई बार किसी को नहीं अच्छा लगता, इतनी देर हो गई कोई नाश्ता नहीं पूछता, कोई टोली नहीं पूछता, खाना भी नहीं पूछता, लेकिन मामा को ये नहीं होता था, नहीं मैं सेवा कर रही हूँ, मुझे सेवा के रिटर्न में अगर कुछ इच्छा संकल्प में भी आई तो मैंने सेवा नहीं की। लेकिन बाबा ने उनको लिखकर भेजा कि आपको स्वीकार करना है, तब उन्होंने स्वीकार करना शुरू किया। तो ये मामा का शुरुआत हो गया यज्ञ में रहना और ज्ञान सुनना और ज्ञान सुनाना। फिर ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा समय आया जब प्यारे बाबा के इस ज्ञान यज्ञ को इस प्रकार का ऑर्डर मिला कि आप अपने परिवार के साथ बाबा रह सकते हैं, लेकिन ये जो पूरा ग्रुप है जो ज्ञान सुनने वाला है उनके साथ बाबा नहीं रहेंगे। तो मामा और अन्य दादियां
इस ग्रुप के साथ रहेगा, बाबा अपनी फैमिली के साथ रहेगा। ये क्योंकि पवित्रता के कारण थोड़ा शोर मच गया था, तो मामा परिवार के साथ रहने लगी, बहनों के साथ रहने लगी और बाबा अपने लौकिक परिवार से रहता। लेकिन बाबा अलग रहते हुए रात को काम पूरा करके बच्चे 9:30 बजे बाबा के पास सभी जाते थे। किस लिए जाते थे? बाबा हमको आपको सुनाएगा। और बाबा खास अपने बच्चों के ज्ञान से पालना करते थे। तो जब सब बच्चे जाते थे, टाइम हुआ सब भाग जाते थे, लेकिन मामा नहीं जाती थी। क्यों नहीं जाती मामा? कोई ने कहा मामा बड़ी नखरेली है, सबसे मिक्स नहीं होती। किसी ने ये भी कह दिया मामा का बाबा से शायद इतना प्यार नहीं, इसलिए नहीं जाती। लेकिन मामा इन बातों को सुनते हुए भी ना सुनती, सभी चले जाते, मामा नहीं जाती। कारण क्या हुआ? बाबा ने एक बार, बाबा जानता था मामा कौन है और क्या है, एक बार बाबा ने दो बहनों को भेजा कि जाओ देख कर आओ राधा कर क्या रही। तो जब वो आई तो उन्होंने देखा कि राधा क्लास में नीचे अपने घर में नहीं बैठी हुई है, ऊपर छत पर टहल रही है और आंखों से उससे आंसू निकल रहे हैं। जहीं जहां जगह मिले ना माता जी वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, जगह नहीं सोचो। तो जिस प्रकार मामा को देखा तो राधा ऊपर टहल रही है, लेकिन राधा ने आंसू भी बहा रही है। ऐसा दरवाजा था ग्रिड वाला जो लोहे का, जिसमें पता चलता था। और नीचे आकर देखा तो किचन सब साफ सुथरी पड़ी थी। क्या होता था कि आटा गूंदा है, परात पड़ी है ऐसे ही, छोड़ दिया, दूध अभी आधा उबला है आधा नहीं उबला है, छोड़ दिया, टाइम हो गया हम जा रहे हैं, कोई सब्जी नंगी पड़ी है, कोई चीज ऐसे अधूरी पड़ी है। लेकिन मामा पीछे सारा काम ठीक ठाक करती थी, हर चीज को सही बनाना, ठीक करना, सफाई सुथराई करना, कोई चीज बिगड़ने वाली उसको ठीक करना, ठीक जगह पर रखना, ये सारा करके फिर ऊपर जाकर बाबा की याद में रहे। जब बहनों ने ये देखा, बाबा पहले से कहता था कि इसको तुम राधा कहते हो लेकिन ये तुम्हारी माँ है, ये सरस्वती है। तो हमारी दादियां जो आयु में बड़ी थी, ज्ञान में उनसे पहले आई थी, डेडिकेशन उनका बहुत ज्यादा था। बाबा की स्वयं की लौकिक में बहु बेटी जिन्होंने सर्वस्व त्याग कर दिया था, वो सभी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि हम मामा कैसे कहेंगे, छोटी तो कन्या है पीछे तो आई है हमसे। तो बाबा ने कहकर छोड़ देता था, मजबूर नहीं कभी बाबा करता था। लेकिन जब मामा का देखा कि हम टाइम हुआ काम अपूर्ण पड़ा है तो पड़ा रहे, लेकिन सब जाते हैं, मामा की कोई ड्यूटी नहीं है, लेकिन सारा काम ठीक ठाक करके और फिर ऊपर शांत होके टहल रही है, तब आपस में कुछ दादियां जो बड़ी थी उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि आज के बाद हम राधा नहीं कहेंगे, हम मामा, जैसे हमको बाबा कहता है ये माँ सरस्वती है, हम मामा ही कहेंगे। तो कहा, अचानक जाकर के दादियों ने कहा मामा हम आ गए,
तो मामा ने फौरन कहा, ऐसा क्यों कहती हो, मानो मामा शब्द क्यों बोलती हो। कहा नहीं, आज के बाद हम आपको राधा नहीं कहेंगे। उसने माँ कहलवाया नहीं, लेकिन माँ के कर्तव्य क्या होते हैं, माँ की पालना क्या होती है, माँ का स्वरूप क्या होता है, इतने बड़े यज्ञ के प्रति वो उनके कर्तव्यों ने, उनके जीवन की उन धारणा और गुणों ने उनको माँ के टाइटल में लाया। और जब सबने मामा कहना शुरू किया तब बाबा ने कहा, बाबा भी आज से मामा ही कहेगा। और बाबा भी मामा कहकर ही पुकारते थे, मामा मैं आ गया हूं। बाबा को मामा का बहुत रिगार्ड था, रिगार्ड सबको था, क्योंकि रिगार्ड कहने से रिगार्ड नहीं होता है, रिगार्ड वर्दी, उस चीज को वर्थ हो, प्राप्त करने के योग्य हो, तो स्वतः ही हृदय से वो रिगार्ड निकलता है। सबका मामा के लिए बहुत अगाध प्यार और प्रेम रहा। एक बार क्योंकि कईयों को साक्षात्कार भी मामा के होने लगे, कैसे सरस्वती है, कैसे अंबा है, कभी शेर की सवारी, ऐसे बिन साक्षात्कार भी होते। मामा कहीं शुरू शुरू में जब सेवाएं होनी शुरू हो गई तो बाबा मामा को सेवाओं पर भेजते थे, जाओ आप भी सेवा करके आओ। मामा कई जगहों पर बैलगाड़ी में भी जाना पड़ा तो बैलगाड़ी में भी जाती थी। कई फोटोज हैं जहां बैलगाड़ी को बच्चों ने सजाया हुआ है और मामा बैलगाड़ी में बैठी है, छोटे छोटे गाँव के ऐसे सहारनपुर आदि इस तरफ के गाँव की सेवा करने निकली, अच्छी सेवा करती थी। तो एक बार मामा ने वापस आ रही थी सेवा करके, और मधुबन में फिक्स था उस समय 25 जून होता है, 25 जून को वर्षा शुरू हो जाती है, फिक्स दिन होता था आज वर्षा शुरू हो जाएगी। जून जुलाई अगस्त मास बहुत वर्षा का सीजन होता था, लगातार वर्षा, और पहले माउंट आबू में ठंडी बहुत होती थी। तो मामा सेवा करके कहीं से आ रही थी तो बाबा ने एक चंद्रहास नाम के भाई थे जिनका काम कंस्ट्रक्शन का था, तो बाबा ने उसको कहा कि बच्चे जगदम्बा विश्व कल्याणी विघ्न विनाशक करने वाली सेवा करके आ रही है, ऐसी माँ जब गाड़ी से उतरेगी तो भीग जाएगी, क्योंकि वर्षा बहुत चल रही है, क्यों नहीं मामा का जहाँ कमरा है वहाँ बाहर एक टीन शेड लगा दी जाए ताकि मामा की गाड़ी टीन शेड के नीचे खड़ी हो और मामा भीग न जाए। तो भाई ने उत्तर दिया, बाबा सभी मजदूर 5 चले जाते हैं, इस समय कोई भी मजदूर नहीं है, टीन शेड लगाना असंभव है, अभी नहीं लग पाए। बाबा ने कहा, बच्चे सरस्वती माँ आ रही है, जगदम्बे माँ आ रही है, भीग जाएगी बच्चे माँ। लेकिन बाबा को एक मिस्त्री मजदूर हो तो लगवाऊं। बाबा खड़े हो गए और बच्चों को बुलाओ, बच्चे मिलकर कैसे करेंगे। पूरी रात बाबा खड़ा रहा और वहां टीन शेड बाबा ने लगवा दी। और जब मामा आई तो मामा आने से पहले कुछ बच्चे जंगल में जाते थे, क्योंकि उस समय लकड़ी जलाते थे, जब पहले पहले लकड़ी ही जलती थी चूल्हों में, बड़े बड़े चूल्हे से बनते थे, उसमें लकड़ी थी और लकड़ी जंगल से काट के ले आते थे। तो कुछ बच्चे गए घूमने के लिए, लकड़ी का गट्ठर बनाकर ले आए, तो बाबा ने कहा, मामा आ रही है,
माँ को ये लकड़ी भेंट की जाए, जब माँ आए तो लकड़ी भेंट की जाए, क्योंकि लकड़ी उस समय बड़ी जरूरत की चीज थी, भोजन तभी बनेगा। और मम्मा आई, खड़ी हुई, बच्चों ने लकड़ी का जो गट्ठर बनाए थे माँ के आके अर्पित किए, और बाबा ने जगदीश भ्राता जी को कहा, बच्चे तुम्हें कोई आरती बोलनी आती है माँ की? और लकड़ी सामने रख के और माँ की आरती हो रही है, ये वेलकम हो रहा है। तो बाबा का अपने बच्चों को किस प्रकार उन्हें आगे बढ़ाना है, कैसे उन्हें उनका सत्कार दिलाना है, क्योंकि आज माँ बाप का फर्ज बनता है कि माँ पिता का गुण बच्चों के सामने लाए और बच्चों को पिता का सम्मान दिलाए, और पिता का काम है माँ के प्रति बच्चों की भावना बिठाए। भले उनका जीवन भी श्रेष्ठ और वैसा हो, तो बाबा ने सचमुच मामा को इस कदर बहुत प्यार से पालना दिया। हमारी दादियां सुनाती हैं कि हम लोगों का ड्यूटी फिक्स होती थी कि ये बहनों का ग्रुप है जो सब्जी काटेगा, ये ग्रुप है जो आटा गूंदेगा और रोटी बेलेगा, ये ग्रुप है जो रोटी पलटेगा और घी लगाएगा, ये ग्रुप है जो खाना खिलाएगा। लेकिन हर ग्रुप में सबसे पहले ड्यूटी पर मामा पहुंचती थी, चाहे वो आटा गूंदने की ड्यूटी है, चाहे वो सब्जी काटने की ड्यूटी है, चाहे वो भोजन परोसने की ड्यूटी है, हर ड्यूटी पर मामा की सारी ड्यूटी है। और मामा को किसी ने अलॉट तो नहीं की कि आपको ये करना है। आज हम देखते हैं मेरे लिए कौन सी सेवा है, मुझे यही करनी है, नहीं, मामा कहती थी यज्ञ सेवा, सारी सेवा मेरी सेवा है। और जब बहनें दादियां हमारी बताती थी कि जब मामा पहले पहुंच जाती थी तो हम सबको पता चलता था मामा आ गई ड्यूटी पर, तो भाग भाग के सभी अब पहुंचते थे। मामा ने कहकर सेवा नहीं सिखाई, करके सेवा सिखाई। समय पर कैसे करना है, सेवा किसको कहा जाता है, संपूर्ण सेवा क्या होती है, हर चीज मामा ने ज्ञान को सुना, सुनकर के उसे धारण किया, जिसको कई बच्चे बाबा के कह देते थे, बाबा की मुरली तो हमको मुश्किल लगती है समझने, लेकिन मामा की मुरली सहज समझ में आती। कारण क्या होता था कि माँ की जैसे लोरी है और बाबा की मुरली तो सागर की लहरें हैं, कई बार कईयों को नहीं समझ में आती थी। जैसे चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिलाती है, पहले अपने मुख में पीसती है, पीस कर फिर बच्चे के मुख में डालती है, तो बच्चा खाकर हजम करता है। सचमुच इसी प्रकार हम मामा को देखते थे कि वाणी पूरी हुई तो मामा अकेले में बाहर टहलती थी, हम बच्चे बाबा के साथ कमरे में जाते थे, उस कमरे को कहते थे चैम्बर की क्लास। आज आलमाइटी ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा क्या महावाक्य उच्चारण किए उसे रिवाइज करते थे, जिसमें साकार बाबा भी रिवाइज करते थे, आज बाबा ने क्या कहा। लेकिन मामा अकेले में पेड़ के नीचे अपना टहलती थी, बहुत गंभीर बात, एनर्जी को जरा भी खोती नहीं थी, बहुत कम बोलना, बोलना जरूर है क्योंकि इतने डिपार्टमेंट्स जिनकी हेड मामा है, हर डिपार्टमेंट वाले को परफेक्ट बना के रखना, लेकिन अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाए रखना, स्थिति को परिस्थितियों के प्रभाव में नहीं आने दिया, ये मामा की विशेषता रही। तो बाबा हमेशा कहते थे माँ है जग जननी है, मामा स्वीकार नहीं करती थी,
मम्मा कहती थी बाबा सब कुछ है, बाबा आप मुझे क्यों कहते हो। बाबा कहते थे बच्ची बाबा तुम्हें जानता है। कभी कभी बाबा कहता था मम्मा कहो मात पिता, याद प्यार में मात पिता कहो, खाली बाबा की याद प्यार नहीं दो। तो मम्मा बाबा की याद प्यार देती थी, अपना नाम नहीं लेती थी। बाबा कहता था नहीं कहो माँ की भी याद प्यार, ऐसे जल्दी जल्दी माँ की भी याद ऐसे कर देती थी, संकोच बहुत करती थी, लेकिन बड़ा ही प्यार। एक एक को गले लगाना किसी को। कभी कभी बाबा कहता था मामा इसका जहर पी लो, ये बच्चा विकृत दृष्टि से ठीक नहीं हो पा रहा, इसकी विकृत भावना को समाप्त करना है। तो इतना स्नेह और प्यार मामा देती थी, जो बाबा कहता था मामा जहर पी लेगी, मामा के पास भेजो इस बच्चे ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार माँ ने यज्ञ को बहुत सुंदर चलाया। बाबा ने मामा को पहचाना, मामा ने बाबा को पहचाना। बाबा क्या चीज है। कई बार दादियां कहती बाबा हमारे साथ खेलते भी थे, क्योंकि बाबा कौन है। कहते परमात्मा पिता भी है, सखा भी है, स्वामी भी है, रक्षक भी है, टीचर भी है। सर्व संबंधों से बच्चों को बाबा ने अपनी पालना दी, एक ही संबंध से पालना नहीं दी, सर्व संबंधों से बच्चों ने जब ईश्वरीय पालना को प्राप्त किया तो मामा को भी उस पालना का अनुभव तो है। और बच्चे कभी बाबा के साथ खेलते थे और कभी कभी आके कहते मामा आज हमने बाबा को हरा दिया, आज हमने हरा दिया, तो मामा चुप होती, कहती क्यों मामा कुछ और कहना चाहिए था। मामा कहती किसके लिए कहते हो आज हमने हरा दिया, कहना चाहिए मामा आज बाबा ने हमको जिता दिया। शब्द तो ये भी कहा जा सकता है ना, आज बाबा ने हमको जिता दिया, बाबा को हमने हरा दिया, ये शब्द कहना ठीक है। कभी बाबा बच्चों को पहाड़ी पर ले जाते और पूछते बच्चे आज किस पहाड़ी पर चलना है, किस पहाड़ी पर। कोई कहता है बाबा आज दाएं तरफ की पहाड़ी पर चल, दूसरा कहता है नहीं बाबा आज सीधी वाली पहाड़ी पर चल, तीसरा कहता है बाबा बाईं तरफ वाली पहाड़ी में हम नहीं गए आज उधर चल। बाबा सबका सुनता और मम्मा एकदम गंभीर हो जाती, मम्मा बिल्कुल शांत होती तो बच्चे समझ जाते कोई बात अवश्य है, मम्मा गंभीर क्यों हो गई। तब पूछते मामा हमें क्या कहना चाहिए, तो मामा कहती कहना चाहिए जहां बाबा ले चलेगा वहां हम चलेगा, जहां ले चलेगा हम दाईं तरफ जाएंगे हम बाईं तरफ जाएंगे। किसको सजेशन दे रहे हो, कौन है। आदि पिता ब्रह्मा और परम पिता का रथ स्वयं परमात्मा जिस तन में है, आप उसको सजेशन दे रहे, समझते हो कौन है ये। तो बच्चों को पता चलता था कि हमें ऐसा कहना चाहिए। थी तो छोटी कन्या वो भी जब ज्ञान में आई, लेकिन बाबा के टाइटल देने पर कि ये माँ है, मामा का स्वरूप भी तो ऐसा ही होता चला गया, शारीरिक आकृति भी इस प्रकार हो गई। और बड़े प्यार से माँ ने इस यज्ञ को संभाला। मैं उस अंतिम समय की अब बात सुनाकर पूरे लाऊंगी। पहली बार मैं दिल्ली में ही मामा से मिली थी, दिल्ली में ही मामा आए थे और मैं अभी ज्ञान में 2-3 दिन ही हुए थे ज्ञान सुनते हुए। तो हमारी लौकिक मम्मी ज्ञान में जाती थी
तो मुझे पता चला कि मामा, इनकी मामा आ रही हैं और वो मामा से मिलने जा रहे हैं। तब मैंने उनसे पूछा कि मैं जा सकती हूँ आपकी मामा से मिलने के लिए? तो लौकिक मदर ने कहा जा सकती हूँ। तो जब मैं चली तो मामा हमारी लौकिक माँ को यज्ञ माता कह के पुकारते थे, जो कुछ मुख्य मुख्य माताएं होती थी सेंटर के, हर सेंटर की एक एक दो दो यज्ञ माता कहते थे, यज्ञ का ध्यान रखती हैं, किस लिए कहते पता नहीं, मुझे उस समय कुछ नहीं मालूम था। तो सीधी मामा के कमरे में वो चली गई। तो मैं भी मामा को क्लास में आने से पूर्व ही मिलने गई थी, तो दिल्ली में मिली थी। तभी मामा ने मुझे चक्रधारी नाम से पुकारा था। मेरा नाम कोई चक्रधारी नहीं था, लेकिन मैं भक्ति पूजा बहुत करती थी, श्री कृष्ण को ही अपना इष्ट मानती थी और श्री चक्रधर के नाम से भी उनको सिमरन करती थी। तो मैंने बाबा को लिखा था ये सारा पत्र बड़े प्यार से कि मैं श्री चक्रधर की उपासक हूं और मेरी लौकिक मम्मी मुझे कहती है कि भगवान आ चुके हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर भगवान आएंगे तो मुझे मिले बिना वो जा नहीं सकते, और सचमुच अगर आप आ गए हो तो मुझे लिखो कि मैं आ गया हूं। भक्त भी बड़ा अड़ियल होता है, वो बड़ा अपनी बात पर बड़ा विश्वासी होता है। मैंने बिना किसी को बताए, घर में मैं कभी सेंटर में नहीं गई, कभी ज्ञान नहीं सुना, घर में झाड़ त्रिमूर्ति का चित्र टंगा हुआ था, उसमें माउंट आबू का एड्रेस लिया और मैंने बाबा को पत्र घर से ही लिख दिया था और किसी को नहीं बताया। और जैसे आज पत्र लिखा, कल पहली पोस्ट से पत्र पहुंचा और बाबा ने, मुझे पीछे पता चला कि वो पत्र बाबा ने क्लास में सुनवाया था कि सुनो क्या बच्ची ये पत्र आया। तो मैंने बड़े प्यार से लिखा था कि मेरी ये आयु है, मैं इस क्लास में पढ़ती हूँ, अब तो मुझे कुछ याद नहीं है और भगवान कहते आ चुका है, सचमुच अगर भगवान आ चुका है तो भगवान हमको मिले बिना मुझे वो जा नहीं सकता, और सचमुच आया है तो मुझे लिखेगी मैं आया हूँ, मैं तब मानूंगी, मैं वैसे नहीं मानूंगी। तब बाबा ने मुझे पत्र लिखा, बच्ची का पत्र पाया, बाप दादा हर्षाया, बच्ची तुम ही चक्रधारी हो और तुम्हें बाप चक्रवर्ती बनाने के लिए आया है, तुम अपने प्रीतम का मुझे फोटो तो भेजो। और चक्रधर का फोटो हम रखते नहीं थे, मुझे शायद उस फोटो को ढूंढने में लगभग एक मास लग गया होगा, मैंने बहुत बाद में भेजा। तो बाबा ने जब ये कहा, बाप तो आया है, तुम ही चक्रधारी हो, तुम्हें चक्रवर्ती बनाने के लिए, तब मैंने वो पत्र सेवा केंद्र में मुझे इनवाइट किया कि आप हमें सुनाओ कि आपको क्या पत्र आया है। तो मैंने पत्र पढ़कर सुनाया, तो उन्होंने कहा आपने क्या डिसाइड किया है? तब मैंने कहा डिसाइड यही किया है, क्योंकि उसमें लिखा था बाप तो आया है और मैंने कहा था अगर आए हो तो मुझे लिखो, तब भी मैंने यही कहा मैं ज्ञान सुनूंगी, अच्छा लगा तो मानूंगी, नहीं लगा तो नहीं, क्योंकि मैं बचपन से गीता बहुत पढ़ती थी, अब तो इतने वर्ष हो गए सब भूल गया। खास मम्मी ने हमको महात्मा लगा के दिए थे जो हमको श्लोक याद कराने आते थे, और गीता के विषय में ही मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं जाती थी। तो फिर मुझे कहा गया कि आप ज्ञान सुनो, तो मुझे ज्ञान सुनने के लिए विश्व का प्रथम सेवा केंद्र कमला नगर ही खुला था दिल्ली में, वहाँ गुलजार दादी उस समय रहते थे, जगदीश प्राता जी रहते थे, और जर्मनी में जो सुदेश बहन है वो रहते थे, तीन वहाँ रहते थे। तो मुझे कोर्स करने के लिए कहा कि आप कोर्स वहाँ करने के लिए जाओ। अब मुझे कुछ नहीं याद है, क्योंकि मैं 62 में तो सेंटर में आ गई,
दो तीन साल पहले होगा, से कुछ होगा, कुछ याद नहीं है। तब मेरा कॉलेज उधर ही था, तो मैं उधर से ही सेवा केंद्र में भी जाती थी और ज्ञान सुन के। अब दो तीन दिन ही हुए तो मामा को देखा, जब मामा ने मुझे लौकिक मदर का मैंने इंस्टेंस दिया था कि मैं फलां की बेटी, मुझे मालूम था ये जाते हैं सेंटर में तो शायद कोई जानता हो, तो उनको जानते थे मामा। तो जब मैं लौकिक मदर के साथ खड़ी थी तो मामा ने समझा होगा, देखा मुझे साथ, तो समझ लिया कि वही है जिसका पत्र आया था। तो मामा ने मुझे कहा, बाबा ने कहा था कि तुम ही चक्रधारी हो, मैं चक्रवर्ती बनाने आया हूं। और मामा ने मुझे कहा, अच्छा आज हमारी चक्रधारी भी आई है। तो मैं जब बाहर निकली तो लौकिक मदर के साथ थी, तो मुझे सब इंट्रोड्यूस कराने लगे कि ये राजरानी की बेटी चक्रधारी, ये राजरानी की बेटी चक्रधारी। मैं चक्रधारी ही मेरा नाम पड़ गया, बस उसी नाम से ही प्रचलित हो गया। तो बाबा ने कहा, मामा ने बुलाया और ना हो, बाकी मामा की मैं कह रही थी लास्ट स्ट्री टाइम तो हो गया है अभी, तो बस थोड़ा से सुना के पूरा करती हूँ। क्योंकि मामा जब बीमार हुई, क्योंकि मामा से हमको बहुत प्यार था, मामा ने ही हमको सेंटर में रहाया था और हमारे लौकिक पिता से हमको छुट्टी दिलाई थी, क्योंकि पिता हमको छुट्टी नहीं देते थे सेंटर में रहने की। और मामा ने पिताजी से बात की थी, वो मैं लंबी कहानी नहीं सुनाऊंगी। तो हमको बहुत प्यार था, पता चला कि मामा बीमार हैं और हमें सेंटर से नहीं बताया, क्योंकि गुलजार दादी उस समय बॉम्बे में मामा के पास चली गई थी। जगदीश भ्राता जी पीछे अकेले थे और मैं थी। मुझे लौकिक परिवार से पता चला कि मामा बीमार हैं, लेकिन भाई साहब ने या दादी ने मुझको नहीं बताया, सोचा होगा छोटी है क्यों बताएं सारा। और उस समय अव्यक्त बाप दादा का संदेश था वतन से कि मामा को खाना केवल संदेशियां ही बनाकर खिलाएंगी। तो गुलजार दादी संदेशी थी, एक शील दादी बॉम्बे की थी वो संदेशी थी, और एक जिसका नाम ही संदेशी था वो पटना में रहती थी। ऐसे ये तीन संदेशियां भोजन बनाती थी और वही मामा को खिलाती। तो मामा की तबीयत इस कदर खराब थी ये मुझे नहीं मालूम था। और मामा बॉम्बे में थी, पीछे पता चला कि डॉक्टर्स ने जब ये कहा कि 4 मास या 6 मास से ज्यादा जीवन नहीं है, इतना ही जी सकती है, तब रमेश भ्राता जी बॉम्बे में जो कि मामा को सब देख रेख करते थे, उन्होंने बाबा को लिखा कि बाबा डॉक्टर ने ऐसा कहा है कि मामा 4-6 मास से ज्यादा नहीं जी सकती। तो बाबा ने कहा, बाबा को क्यों बताते हो, मामा को बताओ जिसकी तबीयत के लिए कहा। कहा मामा को कैसे बताएं, कहा नहीं बच्चे मामा को बता दो जो भी। कैसे हिम्मत रख के वो भाई कहते हैं कि मैंने मामा को बताया। तो मामा ने कहा, कोई बात नहीं, जब ऐसा है तो क्यों नहीं बॉम्बे से वापस मधुबन चलेंगे, बॉम्बे में क्यों रहेंगे। तो मामा बॉम्बे से मधुबन आई, तो मुझे जब पता चला कि मामा की तबीयत ठीक नहीं तो मैं भी मधुबन में आई। मामा की तबीयत में मानो कैंसर यहां तक कि चेस्ट तक सब फैल चुका था, सांस नहीं ले सकता। मामा के सांस की आवाज जैसे यहां है बेड और उस तरफ बाहर आवाज सांस की जा रही, ऐसी थी। लेकिन मामा के पास जाओ तो मामा ऐसे मुस्कुरा के प्यार से मिलती जैसे कुछ है ही नहीं। मैं भागती जूही गई तो सीधी मामा के कमरे में गई, तो देखा तो मामा बहुत प्यार से ऐसे मुस्कुरा के मुझे देख रही थी, लेकिन बोली नहीं कुछ।
मैं सहन नहीं कर सकी, थोड़ा लगा मुझे कि मामा मेरी बीमार है, तो आंसू थोड़े आने लगे, मैं बाहर निकल आई। और जिस दिन मामा ने शरीर छोड़ना था, सुबह इतना अंगूर वहां उतरा, बड़ा बड़ा अंगूर था, फर्स्ट टाइम कितने मन अंगूर उतरा था, जो मामा बाबा ने ही ये सब बेले लगवाई थी। तो बाबा ने कहा उतारा है अंगूर, तो सभी बच्चे, क्योंकि उस समय जून मास था, 24 जून की तो बात है, बहुत बच्चे मधुबन में पहुंचे हुए थे, क्योंकि हॉल छोटा था, छोटे हिस्ट्री हॉल में केवल 200-250 लोग ही बैठ सकते थे, और 200-250 लोग जब हो जाते थे तो लाल झंडा आ जाता था कि बहुत हॉल फुल हो गया, अभी और बच्चे नहीं आएंगे, क्योंकि रहने की इतनी जगह नहीं होती थी। लेकिन बाबा ने अंत तक भी मामा से सेवा करी। मामा कमरे में महावाक्य सुनती थी, माइक लगा हुआ था, लेकिन ऐसे जैसे मामा को कुछ नहीं है। इस प्रकार मामा की अंदर टॉलरेंस पावर इतनी ज्यादा थी। और बाबा ने जितने बच्चे थे सबको कहा सभी आओ मामा से अंगूर लेकर जाओ। तो मामा के हाथ में अंगूर रखते, बाबा मामा के हाथ को अपने हाथ में रखा हुआ है, एक बहन उसमें अंगूर रखती है, और बाबा मामा के हाथ से बच्चों के हाथ में अंगूर डलवा रहे हैं, और मामा सबको दृष्टि दे रही है और अंगूर दे रहे। सारे बच्चे और बाबा ने कहा माली को भी बुलाओ, माली की फैमिली को भी बुलाओ जो काम पर लगी हुई है, धोबी को भी बुला लो। सभी को बाबा ने मामा को तकियों के बल से ऐसे बिठाया हुआ था और सभी को अंगूर। काफी लंबा टाइम मामा ने सेवा की। और उसी दिन शाम को मैं गई, मैंने कहा अभी तक बेल नहीं हुई, 4 बजे बेल हो जाती है, और अभी तक बेल नहीं हुई चाय पीने की, तो गिलास लेकर गई, देखा तो किचन में तो अंगीठी नहीं जली हुई, बात क्या हुई। सभी हाल में योग कर रहे थे, मैं सीधी मामा के कमरे में चली गई, क्या बात है। देखा तो उस समय मामा का तबीयत कुछ चल रही थी, और बाबा कुछ दादियां मामा के कमरे में खड़ी थी, और सब कमरे से तकिए वगैरह उठाए जा रहे थे, तो इसका मतलब मामा की तबीयत। तो बाबा ने उस समय, मामा ने शरीर छोड़ा, और बाबा ने क्लास में आकर बच्चों को बताया कि बच्चे आपकी माँ अपने नेक्स्ट पार्ट बजाने के लिए चली गई है। अब बच्चे तो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो बाबा ने कहा बच्चे ख्याल रखना, ये बाबा का टेस्ट भी हो सकता है और मामा वापस भी आ सकती है, इसलिए एक भी आंसू नहीं बहाना, योग लगाना कि मामा हमारी वापस आए। एक ने भी आंसू नहीं बहाया, सभी योग में बैठे, और हम कुछ कन्याओं को बाबा ने कहा चटाई बिछा दो तो यहाँ ये कन्याएं योग में बैठेंगे। तो हम योग में बैठे, उस समय मामा के पास, फिर मामा को पीछे बॉडी को छोटे हॉल में ले गए, वहां लिटाया, तो मैंने प्रथम मामा को देखा नहीं था, लेकिन कमला नगर में मामा आने वाली थी, मैं नहीं थी, मैं अपने सखी के साथ गई, तो जगदीश भ्राता जी ने कहा कि आपको सजावट करने को चाहती है। मैंने कहा जी मुझे शौक है कमरा डेकोरेट करने का, तो कहा हमारी मतेश्वरी जी आ रही है तो आप ये कमरा डेकोरेट करना। तो मैंने मामा का कमरा डेकोरेट किया था, मामा आने वाली, मैं ज्ञान नहीं जानती थी, मुझ नहीं मालूम था, मैं दूसरे दिन नहीं गई, और फर्स्ट मुलाकात कमरा डेकोरेट किया, और लास्ट मुलाकात कहूंगी जब बाबा ने ये कहा कि मामा को जिस अर्थी पर लेकर जाएंगे उस अर्थी को फूलों से सजाया जाए और केवल कुमारियां ही फूलों से सजाएंगे। तो उस समय फर्स्ट कमरा सजाया, लास्ट अर्थी सजाई। इस प्रकार मामा के साथ
हमारा बहुत प्यारा संबंध है। ऐसी थी हमारी माँ जिसने इस यज्ञ की पालना बहुत प्यार से की। एक एक बच्चे को जिगरी प्यार क्या होता है, बाबा कौन है, यज्ञ की एक एक चीज की वैल्यू क्या है, ये मम्मा ने सबको सिखाया। तो ऐसे माँ के आप हम सभी बच्चे क्योंकि इतना ही समय है तो एक ही बात सुनाई जा सकती है ना। ठीक है दीदी जी, के सारे जीवन में बाबा मम्मा का इतना प्रभाव, उनकी हर चाल चलन सब चीज़ का इतना प्रभाव है जो प्रत्यक्ष में दिखाई देता है। प्यार, रिगार्ड, छोटी छोटी बहनें भी ज्ञान में आगे आए उसके लिए उनको बहुत रिगार्ड भी देना, ये आपकी बहुत बड़ी विशेषता है। एक्यूरेसी, पंक्चुअलिटी, इतना समय कहा तो इतने समय में ही पूरा करना है। जगदीश भाई जी के साथ के अनुभव, क्योंकि जगदीश भाई जैसे दीदी सेवा के आदि रत्नों में है, ऐसे जगदीश भाई जी भारत में आने पर भारत के पहले प्रथम समर्पित कुमार हैं, तो उन्होंने भी बिल्कुल बाप समान बनकर कितनी सेवाएं की और कितने सादगी से भरपूर उनका जीवन था। तो उनकी बातें, उनकी कहानियां, उनके अलौकिक व्यक्तित्व के बारे में सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और दीदी का सुनाना ऐसा है कि अगर मम्मा के बारे में बता रहे हैं तो ज़रूर वो इमोशंस हमारे अंदर जाते ही हैं, वो सीन बनता है। तो ये आपकी बहुत बड़ी विशेषता है। बचपन में मैंने गुलजार दादी के साथ, दीदी ऐसे ही रहते थे जैसे हम, हमारे साथ हमारी साथी बहनें रहती हैं इस तरह से, तो हम गुलजार दादी के कमरे के ऊपर, कुमारियाँ सेवा में थी, तो वहाँ जब हम सेवा में थी तो दीदी नीचे गुलजार दादी को बातें सुना रहे थे। एक इनके जैसी ही बहन दादी के सिर पर तेल की मसाज कर रहे थे और दीदी कहते, दादी एक चबीनी एक चुगली मुंह को लग जाए तो छूटती नहीं है जल्दी से। हाथ में इनके भुने हुए चने थे और वो खाते हुए बात कर रहे थे और भी दादियाँ, मनोहर दादी, बड़े दादी सब वहाँ बैठे थे। वो हिस्ट्री हॉल के पीछे का एक छोटी सी लॉबी है तो वहाँ धूप में बैठते थे, तब धूप आती थी वहाँ, अब तो उस पर शेड वगैरह डाल दिया, तो धूप में दादियाँ बैठते थे। तो दीदी कहते, चबीनी और चुगली मुंह को लगे तो छूटती नहीं है, ऐसे अच्छी अच्छी बातें इनसे सुनने को मिलती थी। हम कन्याएं ऊपर से आते नीचे सुनती रहती थी। तो गुलजार दादी बड़े भोलेपन से कहते, चुगली तो समझ आई, ये चबीनी क्या होती है? तो दीदी बड़े अच्छे से चबीनी को एक्सप्लेन कर रहे थे कि कितनी टेस्टी होती है, कई नमकीन मिला के बनाते हैं, ऐसे ऐसे एक्सप्लेन कर रहे थे। तो इस तरह से आपको हमेशा दादियों के साथ बहुत मित्रवत देखा, सहेलियों जैसा देखा, बहुत उनके समीप देखा और दादियों का भी प्रभाव दीदी के जीवन पर बहुत अच्छा देखा। तो इस तरह के हमारे दादी समान दीदी आज हमारे बीच में है। हमारा हृदय इतना गदगद है कि बहुत सारी बातें जो आपके साथ मेरे अनुभव है वो बताने को दिल करता है लेकिन समय तो अलाउ नहीं करता। और याद रखेंगे कि ये चीज़ें मेरे लिए है जो मुझे बाप समान बनना है। तो वो बातें, जो बातों में शिक्षा है, वो शिक्षा बहुत अच्छी तरह से मन में धारण करनी है।